दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत दिन के बाद आज एक अच्छी खबर निकल के आ रही है बहुत दिन के बाद आज बड़े फंड हाउस ने यहां पे बहुत अच्छी खरीदारी की है भले ही क्लोजिंग निगेटिव हुई हो लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कि खरीदारी बहुत शानदार हुई है और वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हो कि यह सिग्नल है कि आने वाले समय में आप सुजलोन में फिर से तेजी आ सकती है क्योंकि पिछले कई दिनों से यहां पर बड़े फंड हाउस की तरफ से बिल्कुल बेरुखी कायम थी और उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था लेकिन आज आज काफी अच्छी बड़ी डील हुई है और वो भी खरीदारी हुई है और उनको लगता है स्टॉक और नीचे जो बिकवाली है, है लेकिन यहां पे खरीदारी हो रही है और आने वाले समय तेजी की संभावना बन रही है तो उन सारी की सारी डील को भी डिस्कस करेंगे और यहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर ऑफ्स और विंड को लेकर क्या है वो अपडेट उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आखिरकार में कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो तो विंड एनर्जी का ही है साथ में सोलर एनर्जी का भी कंपनी काम शुरू कर चुकी है यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है जिनके दम पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है तो सबसे पहले आज के अगर ट्रेडिंग को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरुआत हुई स्टॉक की 8.05 पॉइंट जीरो फाइव पर यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई 7.80 का लो भी बना और दिन का हाई है एट का यानी खरीदारी के दम पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की है क्लोजिंग सेवन पॉइंट नाइन फाइव पर रही जहाँ पे पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट की हमें गिरावट देखने को मिली यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टॉक वन रुपीज़ के आसपास आ गया था कोविड काल में लेकिन वहाँ से जो दौड़ा तो ये थर्टीन तक चला गया जबरदस्त रिटर्न दिया था स्टॉक ने लेकिन अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से आधी कीमत के आसपास मिल रहा है पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने अभी ट्वेंटी फोर परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है यानी आप देख सकते हो उस हिसाब से अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक लेकिन सिक्स मंथ के हिसाब से यहाँ पे फोर परसेंट की गिरावट हो चुकी है और यहाँ पे अगर हम इसके वन मंथ की भी बात करें तो फाइव परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है और फाइव डेज के हिसाब से लगभग आधा परसेंट की गिरावट है तो कुल मिला आप देख सकते हो तो स्टॉक में गिरावट तो जारी है प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हुई है लेकिन हमने देखा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा था उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी इसके पीछे वजह ये रही कि काफ़ी समय से बड़े फटाउस यहाँ पे खरीदारी नहीं कर रहे थे लेकिन अब ये खरीदारी लौट रही है और इसका सबूत है ये वॉल्यूम जो पिछले कई समय के साथ आज जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका एट करोड़ का वॉल्यूम था थ्री करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी वन वीक पहले सिक्स करोड़ का वॉल्यूम होता और थ्री करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी कल भी फाइव करोड़ का वॉल्यूम था और थ्री करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी यानी लगभग एक जैसे ही डिलीवरी बेस काम हो रहा था और वॉल्यूम भी लगभग कम था लेकिन आज अचानक वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ और आज ट्वेल्व करोड़ का वॉल्यूम हुआ तो आप देख सकते हो कि कल से वॉल्यूम दुगुना से ज़्यादा हुआ है और पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है आप देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर दो बन गया स्विज लोन और ये काफ़ी समय के बाद में देखने को मिल मिला कि स्विज लोन में इतना भारी वॉल्यूम हुआ है अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 4 गीगावाट की ऑफसोर विंड एनर्जी के लिए बिड निकाली है तमिलनाडु के लिए लेकिन अब ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है ये रिपोर्ट कह रही है कि भले ही सरकार ने ऑफ्सोर विंड के लिए बिड निकालने की जो है यहां पे घोषणा की है लेकिन फिलहाल अभी तमिलनाडु में ऐसी कोई पॉलिसी बनी नहीं है जो इस जो ऑफ शोर विन के कारोबार को आगे बढ़ा पाए वहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक बनी हुई नहीं है और न ही अभी तक कोई भी सिंगल पोर्ट्स इसके लिए रेडी है कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाए तो कुल मिला के सबसे पहले सरकार को नई कोई पॉलिसी लानी होगी क्योंकि फिलहाल तमिलनाडु के पास जो एट प्रजेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से ऑफ शोर विन इंस्टॉल करना वहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है और इसके लिए जरूरी है कि पहले एक पॉलिसी लाई जाए इसके अलावा पोर्ट्स को तैयार किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि उसमें सरकार संजीदा होगा तभी तो चार गीगावाट का जो एक वीड के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है इसको पूरा किया जा सकता है क्योंकि अभी इसके लिए तमिलनाडु बिल्कुल तैयार नहीं यह रिपोर्ट कह रही है तो यहां पर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है यूके गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में जो एक वर्कशॉप हुई है और इस ग्रीन एनर्जी के लेके दोनों के बीच में समझौता हुआ है और इसी के तहत यहाँ पे जो मीटिंग उसमें ये बात निकल कर आई है कि फ़िलहाल अभी तमिलनाडु पूरी तरह से तैयार नहीं वहाँ पे भी नई पॉलिसी लानी होगी तभी इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए भाई फिलहाल इस तरह के पीछे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी तक बीड़ के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनी हुई नहीं है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यूके गवर्नमेंट इंडिया को पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यूके की तरफ से आ सकता है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए तो कुल मिला के आने वाले समय एक नई पॉलिसी लानी होगी वैसे भी जो ई रिजर्व ऑक्शन ब्रीडिंग पॉलिसी थी उसको सरकार ने बंद किया है अभी नई पॉलिसी जल्दी आने वाली है तो कुल मिला के संभावना पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अभी उसमें बहुत सारा फ्रेमवर्क करने की जरूरत है और आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो भी इंडिया के अंदर निवेश करने को तैयार है क्योंकि जो एक गोल सेट किया गया थर्टी सेवन गिगावॉट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक ऑफ्स विंड के माध्यम से तो इसके लिए तमिलनाडु और गुजरात में जो है विंड टर्बाइंस लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से इसके बेड लाई जाएगी लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल एक तरह से बहुत सारा अभी फ्रेमवर्क करना बाकी है ये हो जाएगा फिर यहाँ पे शुरुआत हो सकती है वैसे अगर सुजलौन की बात करें तो कंपनी पटरी पे आ चुकी है आप ये देख सकते हो इसके रिजल्ट में जहाँ पे रिवेन्यू इनका 2018 में 8,116 थाउजेंड के आसपास था जो 2020 तक लगातार गिरा और रेवेन्यू 2,972 थाउजेंड के आसपास आ गया लेकिन 2020 से फिर से इसकी पॉजिटिव शुरुआत हुई है आप देख सकते हो 2020 से रिवेन्यू फिर से बढ़ना जो शुरू हुआ दो में ये सिक्स थाउजेंड तक हंड्रेड पहुँच गया तो लगभग दुगुना हुआ है पिछले दो साल में रेवेन्यू इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया है कंपनी ने और एक तरफ से देखें तो इनका जो कारोबार है फिर से पटरी पे आ चुका है भले ही यहाँ पे प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा वीक हो लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है ऐसे में कंपनी के डूबने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है अगर कंपनी के प्रॉफिट लॉस को भी देखें तो कंपनी लगातार बड़े लॉस में थी जहां 2018 में इनका थ्री हंड्रेड एटी का, का लॉस था वो दो हज़ार बीस में बढ़ के टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टीटी को भी तक पहुंच गया था बहुत बड़ा लॉस हुआ था लेकिन दो हज़ार इक्कीस में कंपनी हंड्रेड करोड़ के प्रॉफिट में आ गई और दो हजार बाईस में वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स करोड़ का लॉस होता है लेकिन इस बार कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई है तो कुल मिला के कंपनी पटरी पर आ चुकी है और ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर एक जो बड़ी होल्डिंग है डी आई की उन्होंने काफ़ी बड़ी अपनी होल्डिंग बेची है इस क्वार्टर टू में आप देख सकते हो सेप्टेबर में जहाँ पे सेवेंटीन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट के आसपास उनकी होल्डिंग

तो इस सेप्टेम्बर में यानी दो हज़ार बाईस में वो एट पॉइंट टू फाइव परसेंट हुई लगभग आधी हुई है होल्डिंग लेकिन अगर हम एफ आई की बात करें तो एफ आई लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस में उनकी फोर पॉइंट वन जीरो परसेंट के आसपास होल्डिंग थी वो सितंबर दो हज़ार बाईस में बढ़ के सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट के आसपास हो गए तो एफ आई जबरदस्त खरीदारी कर रहे और आज भी हो सकता है एफ आई की तरफ से खरीदारी हुई हो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग में आपको कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस में जापे सिक्सटी टू पॉइंट फोर थ्री परसेंट की होल्डिंग थी जो फिलहाल सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट के आसपास पहुंच गई है यहाँ पे एक बार देख सकते और भी शानदार है वो है अदर होल्डिंग का अदर्स की होल्डिंग जहाँ सेप्टेंबर दो में पॉइंट के आसपास थी जो जून में बिल्कुल नहीं थी इस बार फिर से पॉइंट तक आ गई तो यहाँ पर किसी अदर्स की होल्डिंग यानी बड़ी होल्डिंग किसी की बड़ी है इसका मतलब यहाँ पे लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है आज काफी अच्छी डील हुई है और इसमें खरीदारी जमकके हुई है नौ बजकर चौबीस मिनट पर बाजार खुलते ही एट पॉइंट जीरो फाइव की प्राइस से ट्वेल्व लाख शेयरों की बिकवाली हुई लेकिन उसके बाद में बारह बजकर अट्ठाईस मिनट पर सेवन पॉइंट नाइन फाइव की प्राइस से थर्टी लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई उसके बाद बारह बजकर छत्तीस मिनट पर सेवन पॉइंट एट फाइव की प्राइस से थर्टी लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और फिर उसी समय बारह बजकर छत्तीस मिनट पर ही उसी प्राइस यानी सेवन पॉइंट एट फाइव की प्राइस से ही यहाँ पे थर्टी लैख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई यानी लगभग ये तीन जो खरीदारी है लगभग आसपास है ये एक करोड़ के आसपास खरीदारी हुई यानी बड़ी क्वांटिटी में किसी ने माल उठाया बाद में आप देख सकते हो बारह बजकर सैंतालीस मिनट पर सेवन की प्राइस से थर्टीन लैख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई फिर एक बजकर बावन मिनट पर 7.95 पॉइंट नाइन फाइव की प्राइस से यहाँ पे थर्टी सिक्स लैक शेयरों की एक बड़ी ख़रीदारी हुई और उसके बाद अगर आप देखो तो दो बजकर चौदह मिनट पर यहाँ पे 7.95 पॉइंट नाइन फाइव की प्राइस से करीब आप देख सकते हो नाइनटीन लैख थर्टी थाउजेंड शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई तो ये बहुत दिन के बाद आज सामने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी डील हुई है जो इशारा करिए कि अब सुजलॉन में फिर से तेजी की संभावना बन सके तो डरने की कोई बात नहीं और वैसे भी कंपनी बहुत मजबूत है चाहे जितनी प्राइस गिरे आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली इंडिया की एक लीडर कंपनी है और आप समझ सकते हो इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है आप देख सकते हो 77 परसेंट फिलहाल बाई की कॉल है 21% सेल की कॉल है टू होल्ड की कॉल है इसका मतलब आप ये देख ही सकते हो 100 में से 79% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें तो यहाँ पे तेजी जरूर बनेगी और जिस तरह से आज बड़े फंड है उसकी खरीदारी शुरू हुई है यहाँ पे आपको जल्द ही पॉजिटिव समाधिक बनती हुई दिखाई देगी तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू